अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी टिक्का बोटी। ये मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है और मेरी हर रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं पूरी। ये मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ। मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम जितना बोनलेस चिकन थाइज ली हुई थी, इसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया। हमने इसके अंदर दो मैरिनेशन देने हैं। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैंने चिकन के अंदर नमक, मैं इसमें नमक मिला रही हूँ थोड़ा सा, और 1 टेबलस्पून जितना विनीगर। ये हम इसको मिक्स करके इसके अंदर लगा कर रख देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया, मैं इसको आधा से पौना घंटा इसी तरह मैरिनेट रहने दूंगी। इसका जो सेकंड मैरिनेशन है उसके लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 टीस्पून ईच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, कुकिंग सोडा मैंने लिया हुआ है पिंच जितना या 1/2 टीस्पून जितना, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया हुआ है 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर रोस्टेड मेरे पास, धनिया जीरा पाउडर रोस्टेड होता है मेरे पास, ये मैंने लिया है 1-1 टीस्पून ईच, और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून। इसकी रेसिपी मेरे पास मेरे चैनल के ऊपर है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। आप घर का मसाला डालें, पैकेट का मसाला नहीं डालें, इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना, और ये मसाले हमने पीसने हैं। ये मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर साबुत वाला, 2 से 3 हरी वाली इलायची, इसके अंदर से मैंने दाने निकाल लिए हैं तो ये सिर्फ हरी वाली इलायची के दाने हैं, 1/2 टीस्पून जितना कलौंजी साबुत वाली है मेरे पास, और मैंने 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ली हुई थी, 1/2 टीस्पून होगी। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया तवे पे और ये बिल्कुल क्रिस्प हो गई है, तो ये पीसने में मुझे इजी रहेगी। इसको मैं पाउडर फॉर्म में पीस लूँगी। ये हमने पेस्ट फॉर्म में पीसना है। मैंने तकरीबन लिया हुआ है 3 टेबलस्पून जितना दही, 1.5 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, और ये जो कढ़ाई वाली मिर्ची आती है, बड़ी वाली मिर्ची, बुलेट चिली जिसको बोलते हैं, ये मैंने ली हुई है 2। इनको हमने पीस लेना है। ये तीखास के लिए नहीं होती, तीखा नहीं होगा इससे, जस्ट फ्लेवर आएगा, इस वजह से मैंने 2 ली हुई है। जो आपको स्पाइसी करना है उसके लिए आप लाल मिर्चों का पाउडर ही यूज़ करें। मैं इसको पीस लूँगी और इसको मैं हाथ से कूट लूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ड्रेन आउट भी कर लिया। अब हम इस मसाले के अंदर ये हमारा जो योगन मसाला था ये मिला देंगे, और ये जो हमने पाउडर मसाला किया था वो, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया, मैं इसके अंदर ऑयल मिला दूँगी 1 टेबलस्पून जितना मैंने मिलाया है इसमें, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं मैरिनेट करने रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे। आप चाहे तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो आप बाहर रख दें। इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर फॉइल के अंदर मैंने ये चारकोल रख दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। ये स्टेप इसके अंदर मैं ये डाल के, ऑयल डाल के इसको कवर कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह से रखूँगी। ये हो गया है, अब मैं इसके अंदर से ये चारकोल निकाल लूँगी और इसको पहले मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको ग्रिल करना है इसलिए मैंने स्क्रूज में इसको पिरो लिया है। अब मैंने इसके अंदर इस तरह से मैं रखूँगी एक कंटेनर के अंदर, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दूँगी इधर, ताकि ये जब स्टीम से पके तो ये सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे, ये ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमने, सिर्फ इसके लेवल में थोड़ा सा पानी रहे इतना डालना है हमने। अब मैं इसी को, इसी तरह से इसी ट्रे को ओवन में डाल दूँगी। इसको ग्रिल करने के लिए मैंने पहले 10 मिनट तक ओवन को ऊपर नीचे की हीट से बिल्कुल अच्छे से हीटअप कर लिया। इसके बाद मैंने ओवन ऑफ करके सिर्फ ये ग्रिलर खोला है और इसकी हीट से ये पक रहा है, और मैंने हमारी ये जो जाली है बिल्कुल करीब इससे कर दी, और ये अच्छे से अब ग्रिल हो जाएगा। जब ये एक तरफ से हो जाएगा हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहे बटर, ऑयल, जो मर्जी आए आप लगा सकते हैं। और इसको टर्न करके मैं वापस से इसको ग्रिल करने रख दूंगी। ये रेडी हमारी स्पाइसी चिकन बोटी। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।